डियर स्टूडेंट, MAVN की ऑनलाइन क्लास में आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे क्लास 8 संस्कृत। आपकी पाठ्यपुस्तक है रीडर, उसके अंतर्गत अध्याय 12 किम तर्तुम जानात भवान, क्या आप तय ना जानते हैं, इस पाठ का आप अध्ययन करेंगे। तो पाठ में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति और एक शिक्षक की वार्तालाप होती है। दोनों में पढ़ने लिखने के विषय में बातें होती रहती है और शिक्षक विभिन्न तरीके से तरह तरह से उस नाविक से, नाव वाले से प्रश्न पूछता है, किंतु नाव वाला जब नाव को लहरों के बीच मध्य में चलाता है और तब उस अध्यापक से पूछता है कि क्या आप तैरना जानते हैं, और अगर तैरना जानते हैं तो अपने प्राणों को बचाइए, अन्यथा मैं तो इस जल में तैरकर बाहर निकल जाऊं। तो आपका चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं उस पाठ्यपुस्तक से आपके संस्कृत से हिंदी का ट्रांसलेशन करते हुए आपको अध्ययन कराता चलूंगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अध्याय 12 किं तर्तु जानात भवान, क्या आप तैरना जानते हैं। विश्वविद्यालय कश्चित् प्राध्यापक विहर्तुं नावम आरूढ, विश्वविद्यालय के कोई अध्यापक विहार करने के लिए नाव पर चढ़े। नावा जल विहारम कर्तुम तस् प्रथमो अवसरय आसीत, नौका जल विहार करने के लिए उनका प्रथम अवसर था। बाल सूर्यस किरणानाम जल क्रीड़ाम विचीनाम नर्तनम अम्बशाम अपार राशिम अरित्र माध्यमेन नौकायाः अग्रसारणम् इत्यादि दृश्यम दृष्ट्वा स नाविकम् एवम् अपृच्छत्। उगते सूर्य की किरण की जल क्रीड़ा, तरंगों का नृत्य, जल की अपार राशि, पतवार के माध्यम से नौका का आगे जाना आदि दृश्य देखकर नाविक से पूछा, अर्थात एक बार एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक नौका विहार करने के लिए जाते हैं, यह उनका प्रथम अवसर था। तो जब वे नौका पर चढ़ते हैं तो जल के बीच में सूर्य की किरणों की जो शोभा थी, उस सुंदरता को देखते हैं और तब वह उसे पूछते हैं, नाविक से पूछते हैं, भो नाविक किम भवता कदापि गणितम पठितम। वो कहते हैं, हे नाविक, क्या आपने कभी गणित पढ़ा है। तो नाविक कहता है, नाविक न पठितम। नाविक कहता है, नहीं पढ़ा है। प्राध्यापक उससे कहते हैं, किम गणितम पठितम विद्यालयम न गतवान। वे उसे कहते हैं, क्या गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए। नूनम भवता जीवनस्य चतुर्थांश व्यर्थताम गतः। तब वो कहते हैं कि निश्चय ही आपने जीवन का चतुर्थांश व्यर्थ गया है, अर्थात आपके जीवन का चौथा, जो जीवन का पूरा भाग होता है उसको चार भागों में कर दीजिए, तो जो चौथा भाग होता है वह आपका व्यर्थ गया है। वे उससे कहते हैं, प्राध्यापक नाविक से कहते हैं, भवता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम वा पठितम स्यात। तब भी उससे कहते हैं कि आपके द्वारा रसायन तथा भौतिक शास्त्र पढ़ा गया है। नाविक नाविक कहता है, ईदृशम मे भाग्यम कुतः। वह कहता है, यह मेरे भाग्य में कहाँ। यदहम भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम वा पठेयम, कि मैं भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र पढ़ूँ। ऐसा वह नाविक प्राध्यापक से कहता है और तब प्राध्यापक उससे कहते हैं कि नूनम त्वया अर्धासम जीवनस्य व्यर्थता नीतः, निश्चय ही तुमने अपने जीवन का आधा भाग नष्ट कर दिया है। ऐसा वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का आधा भाग व्यर्थ गया है। वध त्वया आंग्ल भाषा तू पठिता स्या। तब वो उससे कहते हैं कि बोलो बोलो, तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी भाषा तो पढ़ी गई होगी। नाविक ग्लानिम अनुभवम महाशय। नाविक ग्लानि का अनुभव करते हुए कहता है, महोदय नाहम मात्रा पिता वा विद्यालयम प्रेषित कुतः पठेयम। तब वह कहता है कि हे महोदय, मेरे माता पिता विद्यालय मुझे नहीं भेजे तो मैं कहाँ से पढ़ता। प्राध्यापक तरहि तव जीवनस्य त्रयो भागा अपार्थाः जातः। तब वो उसे कहते हैं कि तब तो तुम्हारे जीवन का तीनों भाग व्यर्थ हो गया। अप्रांतरे नया जलावर्तनम समायावत, और उसी समय नदी में भंवर आया। लहरीणाम विगीन तदा नौकी अकंपत, तब लहरों के वेग से नौका सवार डगमगाने लगा। पश्यतो एव तयोः नौका जल पूरेण पूरिता, देखते ही देखते उन दोनों की नौका जल से पूरी भर गई। नाविक प्राध्यापकम
संभ्रमणेन अपृच्छत महाशय। तब नाविक ने प्राध्यापक से घबराहट के साथ पूछा, महोदय किम भवान तर्तुम जानात, क्या आप तैरना जानते हैं? प्राध्यापक जल वेग दर्शनात भीतो अवदत। प्राध्यापक जल की वेग को देखकर वो डर गया था और डर कर बोलता है, अहम तर्तुम न जाना, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। नाविका अवोचत, यदि तर्तुम न जानात। तब नाविक ने कहा, यदि तैरना नहीं जानते तदा भवतः सर्वम जीवनम वृथा जातम। तब वो कहता है कि तब आपका संपूर्ण जीवन व्यर्थ हुआ। अहम तो बाहुभ्याम नदीम तीरवा पारम प्रयाम। और वह कहता है, मैं तो भुजाओं से नदी को तैर कर पार जाता हूँ। भवान खलु जल मध्य विहरत। और वह कहता है, आप निश्चय ही जल के मध्य में विहार करेंगे। इस प्रकार से वह नाविक तैर कर नदी को पार कर जाता है और प्राध्यापक जिन्हें तैरना नहीं आता था वो जल में डूब कर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से यह आपका पाठ समाप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।